दोस्तों नमस्कार, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक नया जैसा कार स्टीरियो आया है, बिल्कुल नया जैसा है। इसका सामने का लुक देखिए, तो ये इसका प्रॉब्लम है, ये डेड है। कस्टमर बोल रहा है ये ऑन नहीं हो रहा, तो इसको हम देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। इसमें सप्लाई दे करके चेक करके देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है और इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसमें 12 वोल्ट सप्लाई हम लगा के देखेंगे, यहाँ पे बने रहिए। तो दोस्तों 12 वोल्ट सप्लाई के लिए हमने एक एडेप्टर लगा के रखा हुआ है, जिसमें से 12 वोल्ट आ रहा है, और आपको चेक करके दिखाते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई का जो कनेक्शन है, देखिए इस तरह से हमने जोड़ के रखा हुआ है, एडेप्टर है। तो 12 वोल्ट सप्लाई हम चेक करते हैं, देखिए 12 वोल्ट हमें बढ़िया से मिल रहा है। तो ये 12 वोल्ट हम इस स्टीरियो पे देके देखते हैं। ये हमने नेगेटिव को कनेक्शन कर दिया, अभी भी पॉजिटिव को हम कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए हमने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को जोड़ दिया। अभी देखते हैं अगर स्टीरियो में कहीं शॉर्ट भी होगा तो हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो सकता है, देखते हैं। देखिए स्टीरियो में हमारा कोई शॉर्ट नहीं है, इसीलिए 12 वोल्ट हमारा जैसे कि वैसे ही है। तो हम इसको अभी देखते हैं, फ्रंट साइड दिखाते हैं आपको। देखिए कुछ नहीं है, कोई भी यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए मोड बटन है, इधर बटन को दिखाते हैं। देखिए ये वाला मोड बटन है, इसको दबाते हैं, कुछ नहीं आ रहा है। हमने 12 वोल्ट सप्लाई लगा के रखा हुआ है लेकिन ये डेड है। तो इसको खोल के देखते हैं। इसका स्क्रू भी निकालना पड़ेगा और इसको अंदर में देखते हैं किस तरह का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए दोस्तों अभी जो इसमें दिक्कत आ रहा है हमें वोल्टेज, ये हमारा पावर सप्लाई है, यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है इसमें दिक्कत हो सकता है और इसका पैनल में भी दिक्कत हो सकता है। तो पहले हम इसमें देखेंगे पावर वोल्टेज जो है सही से इसमें बोर्ड में आ रहा है या नहीं। सारा बोर्ड में हम ICP वोल्टेज चेक करेंगे। इस पे जो FFC केबल लगा हुआ है, इसमें जो पिन लगा हुआ है, इसमें वोल्टेज सही से आ रहा है या नहीं हमको चेक करना पड़ेगा, तब जाके ये स्टीरियो वर्क कर सकता है। अगर ये IC खराब रहा होगा तब भी हमारा स्टीरियो ऑन नहीं हो, और स्टीरियो को रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए, वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हमने सप्लाई तो दे के रखा हुआ है आपके सामने ही, हमने इसमें सप्लाई दे के रखा हुआ है। अभी इसमें हम थोड़ा सा इसमें वोल्टेज चेक करते हैं, उसके लिए हमने ग्राउंड जो है यहाँ पे कहीं पे लगाना होगा। देखिए हमने ग्राउंड को इधर फंसा दिया है। अभी हम इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे जो कि स्टीरियो में आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो फ्यूज़ होल्डर है, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहा है, फ्यूज़ पे भी मिल रहा है। अभी इसमें हम ये जो इंडक्टर है इसमें देखते हैं, वोल्टेज नहीं है। ये जो IC है ना, इस पे हम इनपुट आउटपुट चेक करेंगे, नहीं आ रहा, कोई भी वोल्टेज IC से नहीं निकल रहा है, क्योंकि IC में सप्लाई लगता है गया है नहीं है। यहाँ पे एक इंडक्टर है, इसमें देखते हैं, इस इंडक्टर पे वोल्टेज हमारा मिल रहा है। तो इस IC पे हम देखेंगे खोल करके, ये IC वो वोल्टेज क्यों नहीं है। आप मीटर पे देखिएगा,
कोई भी वोल्टेज इधर शो नहीं कर रहा। कोई भी वोल्टेज इसमें शो नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, इनपुट वोल्टेज इस आईसी पर, वो वोल्टेज हमें कहाँ से मिलेगा वो हमें ढूंढना होगा। देखिए हमने हीट सिंक निकाल लिया, तो अभी हम चेक करेंगे इसमें वोल्टेज इनपुट हो रहा है या नहीं बोर्ड पे। ठीक है, उसके लिए हमें ये जो प्रोब है ना, तो हमने इसको खोल दिया, यहाँ से हटा दिया, तो हमारा प्रोब को जो है, ये जो नेगेटिव का प्रोब है, यहाँ पे लगा देने से वोल्टेज मेज़र करने में दिक्कत होगा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं मीटर पे, देखिएगा इनपुट वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इनपुट वोल्टेज हमें आ रहा है, हमें मिल रहा है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, देखिए इस कैपेसिटर पे वोल्टेज मिलना चाहिए, वो भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसमें नहीं है। तो अभी बोर्ड को हम पलट लेते हैं, अभी इसमें देखना पड़ेगा वोल्टेज। देखिए दोस्तों, इस रेजिस्टेंस के इस पार हमें सामने से दिखाते, देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इधर, इस पार हमें देखिए वोल्टेज मिल रहा है, इस पार वोल्टेज नहीं मिल रहा, ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है। और रेजिस्टेंस ख़राब क्यों हुआ है, आगे शॉर्ट होगा इसीलिए ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है। तो हम इस रेजिस्टेंस को दूसरा एक रेजिस्टेंस लगा के देखते हैं दोस्तों, दूसरा एक रेजिस्टेंस हम लगा के देखेंगे। यहाँ पे जो ये जो आईसीपी ये रेजिस्टेंस के द्वारा आईसीपी वोल्टेज भेजा जा रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है, इस तरह वोल्टेज हमें मिल रहा है, देखिए मीटर हमारा बढ़िया से उठ रहा है, लेकिन इस तरफ कोई वोल्टेज नहीं है, देखिए वोल्टेज नहीं है, मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो गया है। और ख़राब क्यों हुआ है, आगे इस आईसी पे शॉर्ट होगा, तो हम आईसी पे हमें थोड़ा सा संदेह हो रहा है, आईसी तो फटा नहीं है। आईसी पे आप थोड़ा नज़र मार लीजिए, या फिर आईसी का देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस तरफ वोल्टेज है, इस तरफ नहीं है, मतलब ये रेजिस्टेंस ख़राब है, और रेजिस्टेंस का सप्लाई जा करके ये आईसी पे लगा हुआ है। ये जो दोस्तों, ये जो कैपेसिटर का लाइन है, ठीक है, ये कैपेसिटर पे वोल्टेज मिल रहा है पॉजिटिव, ये जो छेद दिखाई दे रहा है, ये छेद में से उस तरफ जा करके यहाँ से निकला है, और इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे आता है वोल्टेज। तो हम इस रेजिस्टेंस को जो है पहले चेक करते हैं। तो दोस्तों, इस जो एफएफसी केबल है, इसको हटा लेते हैं, क्योंकि हमें जो है पहले हमें काम करना होगा, ये जो इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस ख़राब क्यों हुआ है, और यहाँ पे कोई शॉर्ट वगैरह है क्या। अगर ये रेजिस्टेंस हमें दूसरा हमने लगा दिया, लगा देने के बाद ये आईसी से कोई वोल्टेज आउटपुट होता है, तो आईसी हमारा सही है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस लगा देने के बाद आईसी से कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा है, तो हमारा आईसी ख़राब है। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस ख़राब है या आईसी ख़राब है, वो हम देख लेते हैं।
ये रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे, पहले बदलेंगे नहीं। हमने यहाँ से रेजिस्टेंस को जो है खोल दिया, देखिए ठीक है, इसको हमने इधर से रिमूव कर दिया। तो ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये ओम्स का रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कितना छोटा है देखिए। इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं और देखते हैं कटा हुआ है सही है, देखते हैं। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, क्योंकि ये ओम्स का रेजिस्टेंस है, हमने रेजिस्टेंस के वैल्यू में लगा दिया मीटर को। अभी देखते हैं इसमें, मीटर की तरफ देखिएगा, देखिए 3.6 ओम बता रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा सही है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा सही है, 3.4 ओम्स बता रहा है। तो ये रेजिस्टेंस को हम अच्छे से यहाँ पर लगा के देखते हैं फिर से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है कटा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है। तो इसको हम अच्छे से सोल्डरिंग करके इधर बिठा के देखते हैं आईसी से आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है नहीं, तब जाके हमें कन्फर्म करना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस ख़राब है या सही है। देखिए हमने रेजिस्टेंस को एक तरफ सोल्डरिंग कर दिया है और दूसरी तरफ सोल्डरिंग करके देखते हैं। हमने इस रेजिस्टेंस को अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है, अभी इसमें थोड़ा सा थिनर मार के इसको साफ करके देखते हैं। देखिए हमने इसको जो है अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है, अभी आईसी पे जो है आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। हम वीडियो को थोड़ा जूम करते हैं और आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए डीसी पे लगा दिया मीटर को, डीसी रेंज पे लगा दिया, देखिए यहाँ पे डीसी लिखा हुआ है। तो अभी फिर से इसको लाइन देते हैं, लाइन दे दिया। अभी हम ये जो ग्राउंड का प्रॉब है, मतलब निगेटिव, यहाँ पे पकड़ते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस का इस तरफ हमें वोल्टेज मिल रहा था, देखिए वोल्टेज मिल रहा है अभी भी, और आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है नहीं, देखिए आउटपुट में भी वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी हमें ये जो आईसी है ना, यहाँ से हमें ये वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए 5 वोल्ट, ये जो इंडक्टर है ना, इस इंडक्टर के इस वाले पॉइंट आईसी पे जुड़ा हुआ है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे जाता है पैनल के लिए वोल्टेज इधर जाता है। ठीक है, देखिए तो इस आईसी से हमें 5 वोल्ट सप्लाई आउटपुट एक पॉइंट मिल रहा है देखिए, और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, देखिए 10 वोल्ट इधर मिल रहा है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, एक नंबर पिन है, इधर एक नंबर पिन का सिंबल दिया गया है। ये जो छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है इधर एक नंबर पिन पे वोल्टेज 10 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, 10 वोल्ट बिल्कुल अच्छे से मिल रहा है। तो अभी इस तरफ का हमने वोल्टेज देख लिया, दूसरी तरफ देखते हैं 12 वोल्ट। ये जो चारों पिन में अलग अलग वोल्टेज हमें मिलना चाहिए वो मिल रहा है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है मिल रहा है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट ऐसे मिल रहा है। तो अभी इस तरफ हम देखेंगे
कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे 6 वोल्ट मिल रहा है दोस्त, दो नंबर पिन पे, तीन नंबर पे कुछ नहीं है, चौथे नंबर पे भी कुछ नहीं है। तो ये आईसी हमें लगता है हमारा आईसी सही है। अभी हम यहाँ पे जो पैनल लगाने की एफएफसी केबल लगाने की पॉइंट है, इसमें हम देखते हैं 0 वोल्ट, 9 वोल्ट, देखिए 5.1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो दोस्तों वोल्टेज जितना हमें पैनल के लिए चाहिए वहाँ पे निकल रहा है। तो स्टैंड बाई वोल्टेज इधर 5 वोल्ट जाने के बाद ही निकलेगा, जो कि 3.3 वोल्टेज होता है, जो यहाँ पे आने के बाद ही हमें सारा वोल्टेज इधर काम करेगा। 3.3 वोल्टेज कहाँ पे है वो हम देखते हैं, क्योंकि 3.3 वोल्टेज तो चाहिए, बहुत सारे स्टीरियो में 3.3 वोल्टेज नहीं होते। देखिए 11 वोल्ट आ गया, देखिए इसमें जो है 3.3 वोल्टेज मिलता ही नहीं है, मतलब बनाया नहीं है। जो 3.3 वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट पैनल पे जाने के बाद ही 3.3 बनेगा, जो कि यहाँ पे जितना सारा बटन है वहाँ पे 3.3 वोल्टेज मिलता है। तो अभी हम इस पैनल को इससे जोड़ के देखते ये ऑन होता है या नहीं, ठीक है। तो हम पहले इसको जोड़ के देखेंगे, ये पहले इसको बंद गया, ठीक है। बंद करने के बाद हम ये जो केबल है इसको लगाते हैं, लगा दिया। अभी थोड़ा सा इधर पकड़ कर देखते ये वर्क कर रहा है या ऑन हो रहा है नहीं। देखिए अभी ये स्टीरियो हमारा स्टैंड बाई मोड में आ चुका है, ठीक है। स्टैंड बाई रिलीज करते हैं, देखिए आ गया। अभी हमें चेक करना पड़ेगा इसमें जितना सारा फंक्शन है, साउंड वगैरह ऑडियो वगैरह सही से निकल रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट हुआ था। शॉर्ट होने के बाद ही रेजिस्टेंस का जो एक पॉइंट है वो शोल्डर इसका खुल गया था, इसकी वजह से ये स्टीरियो बंद हो गया था। तो अभी देखना पड़ेगा इसका आईसी, जो ऑडियो आईसी है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें 2 स्क्रू लगाना पड़ेगा इधर, नहीं तो इधर उधर जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। तो हम इसको 2 स्क्रू इधर लगाते हैं और आपको साउंड इसका सुनाते हैं। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट पे बताइएगा। तो अभी एक ही स्पीकर हम इधर लगाएंगे जस्ट चेक करने के लिए। ये हमने हमारे पास छोटा स्पीकर है, इसको लगाते देखिए स्पीकर लगाने के साथ साथ इसमें ऑडियो भी आ चुका है, ठीक है। सारा कुछ इसका, ये हमारा ऑक्स है, ये हमारा बीटी है, बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, एक पेन ड्राइव थोड़ा सा लगा करके, जस्ट पेन ड्राइव इसमें चल रहा है नहीं, वर्क कर रहा है नहीं, वो हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक हमारा मोबाइल चार्जिंग के लिए, दूसरा हमारा USB के लिए। तो इसमें एक USB लगा के देखते थोड़ा सा, दोस्तों समझ में आ गया आपको, बढ़िया से वर्क कर रहा है ये स्टीरियो, ओके हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।